हाथी में प्रशासन की कार्रवाई, 11 विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, इसके बाद कार्रवाई की गई। भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। लॉकडाउन नियम का उल्लंघन करने पर एक्शन लिया गया है। तो आपको बता दें कि भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, इसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लखनऊ से खबर है, जहां पर भारत समाचार की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। सीतापुर रोड नवीन मंडी में प्रशासन ने कार्रवाई की है और 11 विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। अनूप हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। अनूप, भारत समाचार की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल, भारत समाचार जो है लगातार जो है इन मंडियों की जो है व्यवस्था दिखा रहा था कि किस तरह से वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का जो उल्लंघन किया जा रहा है और सामान लेने के नाम पर किस तरह से जो भीड़ है वहाँ पे जो है जमा होती है। तो ऐसे में मंडी परिषद द्वारा जो है जब वहाँ पे जो है जांच कराई गई तो ये बात जो है क्लियर हो गई कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उल्लंघन करके भीड़ वहाँ पे पहुंच रही है, और जिसके लिए सीधे तौर पे जो तमाम जो व्यापारी हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो दोनों गेट हैं जहाँ से एंट्री होती है, इसके अलावा जो एग्जिट है, दोनों जगह पर से वहाँ पे जो है भीड़ जो है अंदर पहुंच रही थी, और दोनों ही गेटों पर तमाम ऐसे भी व्यापारी रहे हैं जो गाड़ियां लगा के वहीं से जो है माल जो है सप्लाई कर रहे थे। तो ऐसे में भीड़ जो है लगातार वहाँ पे बनी हुई थी, जबकि मंडी परिषद और जिला प्रशासन ने जो है वहाँ पे लाउड स्पीकर के जरिए जो लगातार जो ऐलान कराया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का जो